हाँ जी, सो आइए शुरुआत करते हैं ईद से पिछले वाले दिन से, यानी 2 तारीख से। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, इसलिए अभी भी थोड़ा ऐसे नींद में हूँ, सूची हुई हूँ, लेकिन मेरे उठते ही ये सारे हैम्पर्स बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवर हो गए हैं। मैंने ये सारे हैम्पर्स ऑर्डर किए थे क्योंकि आई वांटेड टू सेंड इट आउट टू पीपल जिन्हें मुझे स्वीट्स पहुंचानी थी। तो मुझे, जैसे मैंने आपको उस दिन हैम्पर दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड अब ये आ गए हैं। अब इसमें मुझे एक चीज़ ऐड करनी है और उसके बाद धर्म दादा और अब्दुल भाई विल गो टू एवरीबडीज हाउस एंड गिव इट टू देम एंड गिव देम द स्वीट्स एंड हैप्पीनेस। यस, सो चलिए शुरू करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने पिछले 2 दिन से थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें की, किचन में कुछ प्रेपरेशन किया, थोड़ा शॉपिंग किया। सो चलिए आप उस पर नज़र मार के आइए, तब तक मैं इसकी तैयारी करती हूँ। बताइए, फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। यहाँ मुझे पैकेट्स जैसे मुझे चाहिए थे वैसे नहीं मिले, इसलिए मैं डिसअपॉइंट हो गई थी। एनीवेज, ये मैं बर्निया और कैरी बैग्स लेने आई थी जिसमें मैं शीर कोरमा डाल के डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मैं मेन्यू डिसाइड करके आई हूँ ताकि मैं उसी हिसाब से शॉपिंग करूँ। अब मेन्यू क्या क्या है वो घर जाके बता दूँ, और इसे आज मैं दोपहर के वक्त में आई हूँ ताकि मैं सुकून से शॉपिंग कर सकूँ। फिर ऊपर के सेक्शन से मैंने डिस्पोजेबल डब्बे प्लेट्स वगैरह लिए, ये बहुत काम आते हैं ईद के दिन। और फिर मैं नीचे चली गई, यहाँ से मेन राशन जैसे कि चीनी, घी, ड्राई फ्रूट्स, गरम मसाले, इमली वगैरह वगैरह वगैरह, दालें, बहुत सारी चीज़। और 2 घर की 2 अलग अलग लिस्ट होती हैं, अम्मी को अलग सामान चाहिए होता है, मुझे अलग सामान चाहिए होता है, इसलिए मैं आराम से वक्त जैसे कि मैंने कहा निकाल के आई थी और मैंने जी भर के अच्छे से सामान लिया। और फिर ये लास्ट में, यस, आजकल के अनमोल रतन, नींबू और काफ़ी कुछ चीज़ें। और यहाँ ना मैं कैरी चुन रही थी चटनी के लिए, तो जब भी आप कैरी चुनो ध्यान रखो कि वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो, चटनी वाली थोड़ी एकदम सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट होगी तो हटा दियो। मैं घर, ये पीछे अंकित बैठा हुआ है, थका हुआ, ट्रिप से अपने वापस आया है और ये एडिट पे लगा हुआ है। तो मैं घर आ गई अपनी सारी ईद की शॉपिंग प्रेपरेशन किचन वाली करके, और मैं किचन सेटअप ही कर रही थी। 6:30 भी बज चुके हैं और आज हमारे लिए बहुत स्पेशल इफ्तारी आई है, वो भी कहाँ से, देखिए, महाराजा भोग से। तो यहाँ पे स्नैक बॉक्सेस आए हैं और उनका जो मुझे बहुत पसंद है आमरस, वो भी आया है। तो आज मजा आएगा इफ्तारी करने में। हाँ जी, सो ये थी 2nd last इफ्तारी। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था 2nd तारीख से, लेकिन फिर मैं फ्लैशबैक में फ्लैशबैक चली गई, जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो नाउ गेटिंग बैक टू द 2nd, सो इस दिन इफ्तारी के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं बिजी हो गई थी। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठते ही जो तैयारियों में मैं लगी हूँ, अब आप जाके वो देखिए, जो कि था 2nd। सो ये मैं बना रही थी शीर कोरमा सबको स्वीट बॉक्सेस के साथ देने के लिए, और साथ ही साथ में दही बड़े भी फ्राई कर रही थी, और ये धर्म दादा मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने अभी बड़े फ्राई करना शुरू कर दिया और धर्म दादा मुझ पे हंस रहे हैं कि मैं सब जुगाड़ू काम करती हूँ। क्यों दादा जी, एकदम सब जुगाड़ू जुगाड़ू मिलाकर कर रहे हैं। क्यों, देखिए, आई थिंक मैंने आपको पहले बताया मैं इससे अपना बड़ा फ्राई करती हूँ, एकदम परफेक्ट, ये देखिए, आहा, परफेक्ट राउंड शेप निकलता है। तो दादा हंस रहे हैं। ये हो गया है शीर कोरमा रेडी, खूब सारा, और इसमें पैक करेंगे और फिर देंगे। तो शुरुआत के 2-3 जार्स में मैंने धर्म दादा को बता दिया कितना भरना है, उसके बाद वो भरने लगे, और फिर मैं किचन में चली गई दही बड़े फ्राई करने के लिए, और फिर मैं वापस आ गई फाइनल पैकिंग के लिए। सो हमारे जार्स ऑफ शीर कोरमा रेडी हो गए हैं और हमारे ये बैग्स भी रेडी हैं, इसमें ये रखेंगे और हैम्पर के साथ ये देंगे। ओके, सो वी आर रेडी। तो हैम्पर में वैसे काफी कुछ है, लेकिन इस बार क्योंकि ईद है तो शोएब भी जा रहे थे, मैं भी जा रही थी कि ईद में हैम्पर के साथ शीर कोरमा तो जाना ही चाहिए, इसलिए मैंने ये रेडी किया और थोड़ा सा नॉर्मल जितना होता है उसे थोड़ा थिक रेडी किया है ताकि ले जाने में स्पिल ना हो। अभी जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं और जल्दी निकलते हैं।
मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना सारा शीरकुरमा बना के सबके लिए भेज पाऊंगी और मैं अपना एक पर्सनल टच ऐड कर पाई इन अमेजिंग हैम्पर्स के साथ। उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। और फिर मैं पैक करने के बाद हर बैग पे मैंने नाम लिख दिया ताकि धर्म दादा देते वक्त कन्फ्यूज़ ना हो, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, सारे पैकेट्स पर नाम लिख रही थी। Ready to get delivered. बहुत खुशी हुई मुझे सच में। और यहाँ पे मैं बॉक्सेस पे भी सिमिलरली नेम टैग्स लगा रही थी धर्म दादा की अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस दैट्स इट, हो गया सब कुछ रेडी और फिर निकल के धर्म दादा। ये देखिए आराम से आ, उसमें फिरनी और रबड़ी, उसको और ये सवा की गाड़ी में सारे पार्सल हो गए फुल अच्छे से प्लेस्ड। एक काम हो गया डन, अभी हम चलते हैं ऊपर और अभी कल की थोड़ी और तैयारियां करते हैं, ऊपर ही बात करते हैं। चलो बोल तो दिया कि चलिए ऊपर चल के बात करते हैं, पर उसके बाद मैं थोड़ी बिजी हो गई, थोड़ा सा मैंने आराम किया, उसके बाद आखिरी इफ्तारी थी तो वो सब मैं एक साथ बैठी थी, वो सब आपने शायद शोएब के ब्लॉग में देखा होगा। और फिर मेहंदी लगाने का वक्त हो गया और अनम आ गई मेहंदी लगाने, जो बहुत ही लास्ट मिनट के नोटिस पे आई थी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप आई इतनी दूर। एंड बस मैंने बहुत अच्छी सी मेहंदी लगाई, देखिए आप भी बहुत प्यारी मेहंदी लगाते हैं। मैं तो टाइम पास। मुझे इस बार फुल भर के नहीं लगानी थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की चाहिए थी, तो मैंने अनम को समझाया और वो एग्जैक्टली समझ गई मुझे कैसा चाहिए। बहुत प्रिटी डिज़ाइन बनाया और ये नाम लिखाए बिना तो मेरी कोई भी मेहंदी कंप्लीट नहीं होती, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसीलिए मैंने उन्हें बोला कि आप सबसे पहले शोएब का नाम लिखिए, उसके बाद जो है मेहंदी कम्प्लीट कीजिएगा। सो हो गई है हमारी मेहंदी कंप्लीट, बहुत ही जल्दी और बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, बहुत समय बाद मेरे हाथ पे इतनी प्यारी मेहंदी लगी है। और ये देखो इसके जाने का वक्त हो रहा है, इसे लेट हो रहा है, फिर भी कहती है नहीं थोड़ी सी पैर पे भी लगा के दूंगी, तो बहुत प्यार से लगाई है। सो थैंक यू, वेलकम, और बहुत अच्छी लगाई। जाने से पहले के फिनिशिंग टचेस भी अच्छे से कंप्लीट करके गई। थैंक यू अनम। दादा आज सबको मिठाई देके, सबको गिफ्ट देके आ गए, अब उनकी मिठाई और गिफ्ट की बारी। ये गिफ्ट, ये मिठाई और ये आप, इसमें से आपका कुर्ता कौन सा है देखो, मेरा वाइफ फोटो भेजी थी क्या संतोष भैया ने? आ जाएगा ना ये जी। अरे वाह, ठीक है। और एक बार ये भी खोल के देख, वो मैं इसलिए खुलवा रही हूँ क्योंकि मैंने बिना टैग लगाए सबकी पैकिंग की है, तो मैंने अभिषेक और अंकित में एक दूसरे का दे दिया, तो ऐसा ना हो कि आपका और संतोष भैया का भी मिक्स हुआ। हाँ करेक्ट, ठीक है, चलो इसमें गड़बड़ नहीं की थी। थैंक यू दादा, आपको भी। तो फाइनली संतोष भैया, आज संतोष भैया भी बहुत थक गए, आज सब थक गए, ऐसा ही होता है जब त्योहार होता है और तैयारियां होती है तो सब थक जाते हैं। तो ये रहा इनका की, तो ये रहा इनका ईद का गिफ्ट और अभी कल सुबह मिलेंगे। और ये ईद के दिन का मेरा मॉर्निंग लुक, मैं कुछ भी शूट करना भूल गई थी तो ये मैंने शोएब के व्लॉग से ये क्लिप चुराई है। दिस इज वेरी स्पेशल। एंड जनाब ये देखिए रेहान ऊपर आया था तो उससे अपना फोटो शूट करवाते हुए। और बस फिर ईद के दिन मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी किचन में। एंड काफ़ी लोग आए इस बार, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो विनीत आया सबसे पहले, उसके बाद पापा आ गए, फिर शाम भर तो फिर सबका आना जाना लगा ही रहा, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। एंड मेरे दो स्टार्टर्स फ्लॉप हो गए, उसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी कि मुझे एक बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों से चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, तो मैं वीडियो के एंड में आपसे बात करूँगी।
मुझे पापा बहुत बहुत पापा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि पापा ऐसे जो थोड़ा सा सिप्पी वर्क वाला होता है ना ऐसा कभी कपड़ा उन्होंने कभी नहीं पहना है, लेकिन इस बार पापा के कुर्ते का कपड़ा शोएब ने सिलेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि बोलना कि प्लीज़ पहन पाए तो पहने थोड़ी देर के लिए, और पापा ने पहना एंड वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आई रियली लाइक्ड इट। एंड उसके बाद मैं किचन में बहुत बिजी रही, तो चलिए जितना थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है वो देख के आइए, फिर बात करते हैं। ये देखिए लग रहे थे ना पापा एकदम स्मार्ट, हाय यहाँ कितनी क्यूटली खड़े हैं। हाँ जी, सो ये मेरी किचन की गड़बड़। क्या फ्लॉप हुआ मैं बाद में बताती हूँ, पहले देख लीजिए अच्छा क्या बना। ये है कॉर्न चीज़ बॉल्स, ये बहुत अच्छे बने। ये आ गई काजोल मैडम, बहुत दिनों बाद इससे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शूट में बहुत बिजी हो गई है मैडम, नया शो कर रही है ना इसीलिए। सो ये थे दही बड़े, कॉर्न चीज़ बॉल, शीर कोरमा एंड चिकन मैंने बनाया था, मटन अम्मी ने बनाया था इस बार जो बहुत 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 ही लाजवाब बना था, एंड ऑब्वियसली बिरयानी मैंने बनाई थी। और बस बीच में फिर मैं चली गई ये देखिए फ़ोटोशूट करने की जनाब को साथ में कोई अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करनी थी जो मैंने पोस्ट की थी। और ये जो मेरे इस बार फ्लॉप हुए वो थे मेरे दोनों कबाब, मैंने चिकन और मटन दोनों में कबाब ट्राई किए थे पर वो बिल्कुल सही नहीं बने। ये जैसे तैसे कबाब बना के मैंने रखे थे पर इतने अच्छे नहीं थे, बाकी सब सही बना। और ये मैंने स्टिक पे चिकन फ्राई किया था जो भी काफ़ी अच्छा बना था, पर कबाब ने तो एकदम पचका कर दिया। सोचिए आप ईद का मेन्यू प्लान करें और दो चीज़ें फ्लॉप हो जाएं तो कितना पैनिक होगा। तो मैं बहुत पैनिक में आ गई थी इस बार, क्योंकि दो स्टार्टर्स जो हैं मेरे गड़बड़ा गए, अच्छे नहीं बने, और उस पैनिक में क्या करें क्या नहीं करें बहुत वक्त वेस्ट हो गया, इसलिए मेरी बिरयानी भी रेडी होने में लेट हो गई, तो थोड़ा इस बार मेरी गड़बड़ हो गई। पर चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से रेडी की हुई थी तो इट वॉज़ गुड, एंड अम्मी मटन बनाई थी दैट वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। लेकिन अब आपसे मुझे ये सजेशन नहीं, आप सब बहुत अच्छे, आप लोग कई सारे लोग बहुत अच्छे कुक हैं, तो मुझे मटन कबाब और चिकन कबाब की अच्छी रेसिपी चाहिए डिटेल्ड में एकदम अच्छे से। आप चलिए हम इसी से कुक विद DKI स्टार्ट करते हैं। सो ये जो मैं इंस्टा पेज का आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे आप DM कीजिएगा रेसिपीज प्लीज़, चिकन कबाब एंड मटन कबाब दोनों की। हाँ बाय द वे मैंने वेज कबाब बनाए थे जो मैंने विनीत को खिलाए, वो बहुत अमेजिंग बने थे, बहुत ही ज्यादा, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो बहुत यम्मी बने थे, वो खराब भी नहीं हुए। लेकिन शाम के लिए जो मैंने चिकन और मटन के बनाए थे वो दोनों बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गए, तो वो प्लीज मुझे आप सही रेसिपी बताइए तो हम वो भी मैं सीखना चाहती हूँ। तो बस ये था ईद की तैयारियों का व्लॉग, और ये पूरा रमज़ान का महीना आप लोगों के साथ शेयर किया और इतनी सारी रेसिपीज़ हम लोगों ने शेयर की और बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के जब आप लोग बोलते हो हाँ आज हमने बनाया, बहुत अच्छा लगा सबको घर पे, एंड पूरा महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और ईद भी काफ़ी अच्छी रही सबकी, आई एम श्योर आप लोगों की भी ईद अच्छी रही होगी। एंड शोएब के चैनल पर जो ईद का व्लॉग गया है उसमें इतना प्यारा रिस्पॉन्स है, और वो अभी 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। शोएब के व्लॉग में भी हमने बोला है कि आपने पूरे रमजान के महीने में सारे व्लॉग्स को जितना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ईद का दिन तो ऐसे निकल गया, पूरा दिन बहुत बिजी थी इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई, और फिर पूरा दिन अच्छी खासी हस्ती खेलती थी, पता नहीं सडनली रात में एकदम से चिल जा गए और एकदम से वॉमिटिंग हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा पेट दर्द शुरू हो गया, अजीब सा कुछ हो गया तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या सडनली। और फिर अगले दिन ऑब्वियसली पूरा दिन कमज़ोरी रही, वो भी रात में जब सब लोग खा पी के गए तो सडनली मतलब अच्छी खासी बैठी हुई पल में ख़राब हो गई तबीयत, तो समझ नहीं आया, तो इसलिए शोएब कह रहे थे कि नज़र लग गई। तो या पता नहीं शायद मैंने कुछ खा लिया हो जो मुझे सूट ना किया हो, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एनीवेज टुडे आई एम फाइन। तो इसीलिए कि मैंने कल कुछ कंपाइल करने की हिम्मत नहीं थी, कल मैं पूरा दिन रेस्ट कर रही थी, अम्मी ने नज़र उतारी वगैरह सब हुआ, तो आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए आज जो है मैंने व्लॉग कंपाइल किया है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी,
यस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि घर पे मैंने थोड़ी थोड़ी और तैयारी कैसे की थी। जैसे मैंने पहले पापा के रूम के लिए नया बेडशीट मंगवाया था, हमारे रूम के लिए नया बेडशीट मंगवाया था, ये फ्लावर्स मंगवाए थे, ये सब दिखा देती हूँ एंड मेरी इवनिंग लुक का पिक्चर, वो भी तो देखना बाकी है। सो चलिए आप वो देखिए और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। लव यू ऑल। रेसिपी चिकन कबाब मटन कबाब, भूलिएगा मत। सो ये पापा के रूम का पूरा बेड सेट ये मैंने मंगवाया था आचू से। थैंक यू डिंकी फॉर सेंडिंग इट अक्रॉस। और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये देखिए ये डबल साइडेड होते हैं, मैं ऐसे पहले भी मंगवा चुकी हूँ। ये फ्लावर डेकोरेशन हमारे लिविंग रूम के कॉर्नर के लिए, ये आप शोएब के ब्लॉग में ऑलरेडी देख चुके होंगे। और ये डाइनिंग टेबल के लिए, मुझे हमेशा फ्लावर्स मंगवाना बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरा हमारा लिविंग रूम का लुक जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी इवनिंग की ड्रेस, ये मैंने भगवान कलेक्शन से फैब्रिक लेके स्टिच करवाई थी।